हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यू चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमारा टॉपिक आज का होने वाला है कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट यानी कि एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे सो so गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और आप मुझे अन अकेडमी की लर्निंग एप पे भी फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो की बात करते हैं कि बेसिकली क्या जानेंगे हम इसमें ये जानेंगे कि जब भी एक टीचर असेसमेंट करता है इवेल्युएशन करता है तो Evaluation वो किसके थ्रू करेगा बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू करेगा असेसमेंट करेगा तो इसमें हम ये जानेंगे कि जब एक टीचर टेस्ट लेता है परीक्षण लेता है तो उस परीक्षण की क्या अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए ठीक है तो इंपॉर्टेंट है पूरा देखे वीडियो को आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा तो सबसे पहले परीक्षण को जानते हैं कि परीक्षण क्या होता है तो यहाँ एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है आप देख सकते हो परीक्षण क्या है कि परीक्षण व्यक्ति या बालक की समस्त मानसिक योग्यताओं व व्यक्तिगत गुणों के मापन का साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने और समझने में सहायक होता है यानी कि एक परीक्षण से एक टेस्ट से टीचर क्या करता है टीचर एक बालक की समस्त मानसिक योग्यताओं को और उसके व्यक्तित्व को क्या करता है उसके व्यक्तित्व गुणों को जांचता है उसको मापता है ठीक है तो बेसिकली जो हमारा टेस्ट होता है गाइस जो टेस्ट है ना परीक्षा होता है वो हमारा कॉगेनेटिव एबिलिटी पे बेस्ड होता है यानी कि बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है उसको कितनी नॉलेज है कितनी अंडरस्टैंडिंग है कितनी एप्लीकेशन है जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्ञान से ज्ञान से संबंधित जितनी भी उसकी क्षमताएं होती है उसका मापन क्या होता है टेस्ट में परीक्षण में होता है तो ये था परीक्षण अब चलते हैं परीक्षण पे कि परीक्षण जो है उसको उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छा परीक्षण कैसा होता है क्या विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रख करके एक टीचर जो है टेस्ट को बनाता है परीक्षण को बनाता है ठीक है तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हमारा वैलिडिटी यानी कि वैधता इसको कहेंगे कुछ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ जो है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो एक, एक करके देखते हैं सबसे पहले आता है वैलिडिटी वैलिडिटी का मतलब है वैधता परीक्षण जो होना चाहिए वो वैध होना चाहिए वैध का मतलब क्या होता है वैलिडिटी वैलिड कब होगा कोई भी टेस्ट जब जिस चीज के लिए जिस जिस आपकी जिस क्वालिटी को मापने के लिए टेस्ट बना है आपकी उसी क्वालिटी को वो मापना चाहिए उस टेस्ट को तभी वो वैलिड कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि मुझे मैं हिंदी का टेस्ट ले रही हूँ बच्चे का मैंने परीक्षण लिया उसका एग्जामिनेशन लिया और हिंदी में मान लीजिए कि मुझे मापना है उसकी राइटिंग को जांचना है ठीक है मुझे उसकी राइटिंग चेक करनी है तो मैं वहां पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं वहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बच्चों को ऐसे प्रश्न नहीं दूंगी मैं उनको क्या दे दूंगी उनको ऐसे लिखने के लिए दूंगी उनको निबंध लिखने के लिए दूंगी तो वैलिडिटी क्या होती है कि जिस चीज के लिए परीक्षण बनाया गया है उस चीज का माप हो जैसे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देते हैं सी टेट यूपी टेट इस तरह के एग्जाम देते हैं वहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो जो भी आप देखते हैं ना कि प्रश्न होते हैं तो आपने देखा होगा कि रीजनिंग में रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और हिंदी में हिंदी के प्रश्न होंगे लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के प्रश्न होंगे तो वो क्या है एक वैलिड है है ना कि जिस चीज को मापने के लिए उस परीक्षण को बनाया गया है वो उसकी माप करता हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मुझे बच्चे की राइटिंग को जांचना है तो मैं वहां पे मैं उस उस टेस्ट में क्या ऐसी चीजें दूंगी कि बच्चे की राइटिंग चेक हो सके तो ज, जब मैं परीक्षण जो है वैलिड तभी माना जाएगा जब क्या होता है कि जिस चीज के लिए जिस मूल्य को मापने के लिए मैंने बनाया है वो उसकी पूर्ति करता हो पहला तो वैलिड हुआ ठीक है वैलिडिटी होनी चाहिए किसी भी टेस्ट में उसके बाद सेकेंड पे आते हैं सेकेंड आता है हमारा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण में विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि एक बच्चे का मैंने टेस्ट लिया ये एक बच्चा है मान लो एक स्टूडेंट है इसका मैंने टेस्ट लिया ठीक है इसका टेस्ट लिया मैंने मान लो कि आज मैंने एक टेस्ट लिया आज मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया बच्चे का या कोई भी सब्जेक्ट आप मान लो कि आपने किसी सब्जेक्ट का टेस्ट लिया आज ठीक है अब अगले दिन ठीक है नेक्स्ट डे मान लो आज लिया अब मैं कल यही सेम टेस्ट ठीक है ध्यान से सुनना आज मैंने इस बच्चे का टेस्ट लिया है मैथ्स का अब मैं कल सेम टेस्ट बच्चे का लूंगी सेम उतना ही उसको टाइम दूंगी सब कुछ सेम दूंगी ठीक है अगर बच्चे के मान लो आज मार्क्स आए पचास ठीक है मान लो कि उसके सौ में से पचास नंबर आए आज और कल मैंने अगर उसका टेस्ट लिया तो मान लो सौ में से उसके नाइन्टी आ गए तो ये जो टेस्ट है ना जो मैंने लिया ये रिलायबल नहीं माना जाएगा रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो टेस्ट मैंने लिया है उसको मैं आज लू या मैं उसको कल लू या मैं दो दिन बाद लू मार्क्स और जो उसका जो मूल्य है जो मापन है वो सेम होना चाहिए आज लिया मैंने मैथ्स का पचास नंबर लाया बच्चा मान लो कल लिया मैंने 90 आ गए तो ये इसका मतलब है है कि टेस्ट क्या रिलायबल नहीं है विश्वसनीय होना चाहिए टेस्ट टेस्ट को कि जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं हर बार वही नंबर आने चाहिए एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्क्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए या बहुत ज्यादा कम हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये थी इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं हम थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वस्तुनिष्ठता वस्तु वस्तुनिष्ठता का मतलब है यहाँ पे वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि पर्सन किसी भी पर्सन से रिलेटेड है ये अब जैसे पर्सन से रिलेटेड कैसे है मान लो दो टीचर है ठीक है अब ये वस्तुनिष्ठता को मैं बताती हूँ क्या होता है मान लो दो टीचर है दोनों ने इंग्लिश का टेस्ट चेक किया एक इंग्लिश का टेस्ट था एक बच्चे का वो इंग्लिश का टेस्ट चेक किया मान लीजिए कि आप और मैं हम दो हैं ठीक है आप आपने भी इस सेम टेस्ट आपने भी चेक किया उस बच्चे का और मैंने भी सेम टेस्ट चेक किया हम दोनों ने क्या किया कि आपने भी वही टेस्ट चेक किया मैंने भी वही टेस्ट वही जो टेस्ट है वो चेक वही तेस्थ। वही तेस्थ है वो किया आपने उसको हंड्रेड में से मार्क्स दे दिए मान लीजिए आपने उसको हंड्रेड में से एट्टी मार्क्स दे दिए और मैं यहाँ पे हंड्रेड में से उसको थर्टी मार्क्स दे रही हूँ तो कितना ज्यादा अंतर है है ना आपने इतना आपने ज्यादा नंबर दिए मैंने कम मार्क्स दिए यानी कि यहाँ पे क्या है इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट इंग्लिश का था उसमें वस्तुता तो है ही नहीं मतलब वस्तुनिष्ठ कब माना जाएगा टेस्ट जब आप एक ही टेस्ट को अलग अलग पर्सन अगर चेक कर रहे हैं एक बच्चे का टेस्ट है उसको अगर अलग अलग परीक्षक जो है वो उसको उसका अंकन कर रहा है मूल्यांकन कर रहा है चेक कर रहा है तो जो रिजल्ट है जो मार्क्स है वो सेम आने चाहिए ये नहीं कि आप चेक कर रहे हैं तो कुछ और नंबर और मैं चेक कर रही हूं तो बहुत अलग तो यहाँ पे ये है कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए टेस्ट में किसी भी पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मतलब कि मान लो पर्सन मान लो जिस बच्चे का मैंने टेस्ट चेक किया मुझे वो बच्चा पसंद ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी उसको मैं नंबर उसको बहुत कम दे दूंगी आपको बच्चा बहुत पसंद है आप ज्यादा मार्क्स दे दोगे तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता तो है ही नहीं वस्तुनिष्ठ कब माना जाएगा जब क्या है टेस्ट आपका हर व्यक्ति चेक करे तो सेम मार्क्स आए ओके उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा फोर विभेद विभेदकता होनी चाहिए टेस्ट में यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जो बच्चों को अलग अलग जो है अच्छा सामान्य या बहुत अच्छे बच्चे में जो है डिस्क्रिमिनेट कर पाए ठीक है टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो ये बता सके कि कौन सा बच्चा गुड है कौन सा बच्चा एक्सीलेंट है ठीक है कौन सा बच्चा एवरेज है तो टेस्ट क्या है टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आप जो ये बता सके कि कौन सा बच्चा बहुत ही एक्सीलेंट है कौन सा बच्चा एवरेज है कौन सा बच्चा बिलो एवरेज है तो वो विभेदकता का गुण है ठीक है टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो ये नहीं कि हर बच्चे के सेम ही नंबर आ रहे हैं और हर बच्चे के कम ही मार्क्स आ गए बिल्कुल कम मार्क्स भी नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए ठीक है तो मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ कि विभेदकता का मतलब वही है कि जो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर पाए यानी कि इससे हमें पता चले कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है किस बच्चे ने अच्छा किया किसको कमी है किसको आगे और अच्छा करने की जरूरत है तो यह है विभेदकता का गुण उसके बाद आता है हमारा मानक मानक का मतलब है कि एक अच्छे परीक्षण में नॉर्म्स होने चाहिए नॉर्म्स का मतलब है नॉर्म्स देखो क्या है मानक मानक जो होता है वो बहुत तरह का हो सकता है एज का नॉर्म्स हो सकता है मार्क्स का हो सकता है परसेंटेज का होना हो सकता है ठीक है क्लास का हो सकता है मानक होना चाहिए टेस्ट में मानक का मतलब है कि मतलब कि उसकी जो भी मैं टेस्ट बना रही हूँ वो क्लास एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चे की ऐसा नहीं है कि मैं छह सात साल के बच्चों के लायक जो है लेवल का बना रही हूँ और मैंने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दिए या फिर ऐसा ना हो कि मैं जो है बड़ी क्लास के बच्चे का टेस्ट बना रही हूँ जो सिक्स सेवेंथ एट में है बड़े हैं और मैं उनको इजी क्वेश्चन दे दू तो एज एज का जो मानक है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक टेस्ट में मार्क्स का स्टैंडर्ड होना चाहिए क्लास का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस क्लास के लिए मैं बना रही हूँ उस क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए ठीक है जैसे हम एस एस का एग्जाम दे रहे हैं तो एस का लेवल होता है आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं आई का एक नॉर्म है एक स्टैंडर्ड होता है ऐसा नहीं है हर हर एग्जाम जो है सेम लेवल का होता है तो वो एक मानक है नॉर्म्स पे डिपेंड करता है तो एक अच्छा टेस्ट वही है जो क्या हो मानक संदर्भित हो जो मानक को बताए ठीक है ठीके? उसके बाद अब चलते हैं इधर प्रैक्टिकल जो गुण है टेस्ट के उस उसकी तरफ उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य पूर्णता यानी कि परपजनेस होना चाहिए मतलब यह है कि जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं एक अच्छा परीक्षण वही है जो उद्देश्यों की पूर्ति करे आपने जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया है उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करना चाहती हूँ तो मैं वही क्वेश्चन दूंगी टेस्ट में जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक करे मुझे मैथ्स के जो है सम्स uh, चेक करने हैं बच्चों में कि बच्चों को मैथ्स के सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो वो उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं मुझे मैथ्स का टेस्ट लेना था और मैंने उनको जो है बहुत कुछ और ही दे दिया तो उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए आप जिस चीज के लिए टेस्ट बना रहे हो उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए आप चाहते हो कि बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को आप चेक करो तो आपकी उद्देश्य पूर्णता होना चाहिए ठीक है आप चाहते हो कि बच्चे आप ओरल टेस्ट मान लो आप ओरल परीक्षण ले रहे हो ओरल टेस्ट ले रहे हो आप वहां पे चाहते हो आप बच्चे के कम्युनिकेशन को चेक करो कितना वो अच्छे से बोल पाता है तो वहां पे आप ऐसे ही क्वेश्चन दोगे ना आप वहां पे ओरल पूछोगे तो आप तो क्या एक अच्छे टेस्ट में उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए टेस्ट उसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए व्यापकता होनी चाहिए टेस्ट में व्यापकता का मतलब भी इससे रिलेटेड ही है मान लो हिंदी का अगर मैं एग्जाम्पल दू व्यापकता का कि एक हिंदी मान लो हिंदी का मैं टेस्ट बना रही हूं मैंने एक टेस्ट बनाया और वहां पे अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट का टेस्ट ले रही हूं पेपर ले रही हूं फाइनल टर्म का पेपर ले रही हूं तो मैं वहां क्या क्या दूंगी हिंदी का ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ उनको निबंध देके हो गया कि चलो मेरा टेस्ट बन गया ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ निबंध दे दूंगी या बस मैंने पत्र दिया या मैंने चार क्वेश्चन जो है चार क्वेश्चन एक्सरसाइज के दे दिए चार क्वेश्चन ग्रामर के दे दिए और मेरा हो गया खत्म काम ये नहीं है ये व्यापकता नहीं हुई ना फिर कि भाई मुझे हिंदी का मैं पेपर ले रही हूं तो व्यापकता होती है जैसे हम लोग भी एग्जाम देते हैं तो मान लीजिए सीबीएसई का एग्जाम होता है इंग्लिश का एग्जाम होता है तो वहां क्या होता है आपका पहले पैसे जाता है, फिर आपका आपका पैसेज आता आता है फिर आपका जो है है फिर फिर ग्रामर पोर्शन जो पोइट्री आती है फिर जो है पैसे जाता है पैसेज आता पोइट्री से, से क्वेश्चन आंसर होते हैं फिर बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं फिर ये क्या है एक व्यापकता है है ना ऐसा नहीं है कि बस मैंने दो लेटर दिया बच्चों को और हो गया मेरा टेस्ट तो वहां पे व्यापकता नहीं हुई व्यापकता वो होती है जब आप बच्चों के सभी पक्षों का जो है परीक्षण के माध्यम से क्या कर सको उसका अंकन कर सको उसको आप जान सको तो वो व्यापकता हुई समझ आ गया होगा आई होप आपको उसके बाद आता है इकोनॉमिकल यानी कि मितवेता होनी चाहिए टेस्ट में टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो धन की बचत समय की बचत और आपके श्रम की बचत करे है ना ऐसे नहीं कि आप टीचर जो है बिल्कुल उसको चेक करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट आपने ऐसा बना दिया कि टीचर चेक ही नहीं कर पा रहा या आपने ऐसा टेस्ट बनाया कि बच्चे कर नहीं पा रहे तो मित वेतन नहीं है वहां पे इकोनॉमिकल होना चाहिए भाई ऐसा टेस्ट हो जो बच्चे भी कर सके आपको भी प्रॉब्लम ना हो आपके ऊपर भी बर्डन ना हो तो हुई ठीक है ये तो इजी था उसके बाद बैलेंस होना चाहिए बैलेंस का मतलब है, 30 की है, 30 की है। इस तरह से होता है ना मतलब आपने क्या किया क्वेश्चन का बैलेंस बनाया है ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं बैलेंस का मतलब है कि टेस्ट जब आप बनाते हो कोई भी हम लोग एग्जामिनेशन देखते हैं हम लोग पेपर तो वहां पे क्या होता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी नहीं होते हैं बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं और जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चा कर सकता है तो बैलेंस का मतलब है कि बच्चे के अकॉर्डिंग लो लो एवरेज वाला बच्चा भी कुछ क्वेश्चन कर सके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं तो एक बैलेंस होना चाहिए टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आप जो है आ, सारे क्वेश्चन आपने एक एक नंबर के दे दिए और आपका टेस्ट बन गया ऐसा नहीं होता पहले एक नंबर का टेस्ट होता है फिर आपका थ्री मार्क्स का आता है फिर आपका फाइव मार्क्स का आता है इस तरह से क्या है पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वहां पे क्या है बैलेंस है संतुलन है तो ये क्या थी अच्छे टेस्ट की विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए उसके बाद आता है प्रैक्टिक प्रैक्टिकबिलिटी मतलब आप व्यवहारिकता होना चाहिए टेस्ट में आपने जो टेस्ट दिया है उसका कोई ना कोई यूज होना चाहिए ठीक है मतलब